नमस्ते मेरे दर्शकों, आपका स्वागत है मेरे चैनल द लाइफ इलर में और मैं हूँ वैशाली शर्मा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और मेरी इस कम्युनिटी में जुड़े रहने के लिए। तो आज की जो वीडियो है, इसका ये टॉपिक ये है कि जो हेट है, नफ़रत वाली जो भावना होती है, हेट वाला इमोशन होता है, वो क्यों होता है और उससे हम कैसे डील करें। तो पहले तो देखिए, अगर किसी भी प्रॉब्लम से अगर आपको निकलना है तो पहले ये समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम क्या है ना। बिना प्रॉब्लम को जाने तो आप नहीं निकल पाओगे उससे, है ना। पर लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर प्रॉब्लम से सिर्फ निकलने पर फोकस करते हैं, ये नहीं फोकस करते कि प्रॉब्लम क्या है ना। तो जैसे कि मान लीजिए, अगर आप किसी को हेट करते हैं या नफ़रत वाली भावना है आप में, तो पहले हमको ये देखना होगा कि ये नफ़रत होती क्या है ना, और ये क्यों होती है। ठीक है, तो पहले देखो, ये बहुत ही छोटी सी बात है कि आप किसको हेट करते हो, वो चीज़ जो आपको समझ ना आए, ठीक है, जो आपको डिफ़िकल्ट लगे, मतलब कि कठिन लगे, ऐसी चीज़ों से, ऐसी बातों से हम नफ़रत करने लगते हैं ना। या जो चीज़ आपको पसंद ना आए, ठीक है, तो जो चीज़ आपको पसंद नहीं है, जो चीज़ आपको कठिन लगे और जो चीज़ आपको मतलब कि समझ ना आए, वो आपको क्या, उस चीज़ से नफ़रत होने लगती है, वो बात से नफ़रत होने लगती है। इसका कॉमन एग्जांपल यही है। देखिए, जब हम लोग भी जब स्कूल में थे, पढ़ते थे स्कूल कॉलेजेस में, या अगर जो अभी भी पढ़ रहे होंगे या जब बचपन में पढ़ते थे, तो वहाँ क्या होता था, ढेरों सब्जेक्ट होते थे हम लोगों की क्लास में, लेकिन फिर भी ऐसा ही क्यों होता था कि कोई एक सब्जेक्ट होता था उससे, कोई एक सब्जेक्ट होता है कि उससे हमको नफ़रत होने लगती है। और वो नफ़रत क्यों होती है उस सब्जेक्ट से, क्योंकि वो सब्जेक्ट हमको समझ नहीं आ रहा, उसके क्वेश्चंस हम सॉल्व नहीं कर पा रहे, उस सब्जेक्ट में हमको इंटरेस्ट नहीं आ रहा, इसलिए हम उससे नफ़रत करने लगे। अब ये तो हो गई सब्जेक्ट वाली बात। कभी कभी ऐसा होता है कि क्योंकि उस सब्जेक्ट के टीचर का स्वभाव हमें पसंद नहीं आता है, इस वजह से हम उस टीचर से नफ़रत करते हैं, और उस टीचर के स्वभाव की वजह से हम उस सब्जेक्ट को भी ध्यान नहीं देते, उस सब्जेक्ट पर भी, सब्जेक्ट से भी नफ़रत करने लगते हैं ना, उसको पढ़ाई करना छोड़ देते और ध्यान नहीं देते। वहीं कोई ऐसे ही सब्जेक्ट होता है कि जो जो आपको जल्दी समझ आ जाए, आसानी से समझ आ जाए, तो उसको, वो आपको अच्छा लगने लगता है, और फिर वो सब्जेक्ट आपको लगता है कि बस मैं यही पढ़ता रहूँ पढ़ता रहूँ। जैसे भी हम लोग जब छोटे थे तो पता चला, अगर आपको साइंस में इंटरेस्ट है तो बच्चा सिर्फ साइंस ही साइंस पढ़ता रह रहा, अगर मैथ्स डिफ़िकल्ट लगती है तो भाई मैथ नहीं पढ़नी, मैथ हटा दो, मैथ नहीं पढ़नी, है ना। तो ये जो स्कूल में हमारी जो इमोशंस रहते हैं सब्जेक्ट्स को लेकर, हमारे इमोशंस कभी झूठे नहीं होते, है ना। बस इमोशंस का जो आधार होता है, फोकस होता है, वो बदल जाता है। मान लो कि बचपन में हमको अगर मैथ से नफ़रत थी, पर जब हम बड़े हुए तो हमको किसी एक इंसान से नफ़रत होने लगी, है ना। अब क्या हुआ, नफ़रत जो है वो इमोशन सेम है, उसकी जो रूट है, रूट मतलब कि जड़ है, वो जड़ भी सेम है ना। और जड़ क्या है कि हमको वो चीज़ समझ नहीं आ रही है, वो चीज़ गलत लग रही है, वो चीज़ बुरी लग रही है, इसी वजह से हम उससे नफ़रत कर रहे हैं, है ना। और कोई चीज़ हमको बुरी कब लगती है, जब हम उसके पीछे का कारण नहीं समझ पाते हैं, है ना। और क्या होता है, अब जैसे मान लीजिए आपने, जिससे भाई आप नफ़रत, अब जैसे मैथ्स है, मैथ्स से आप नफ़रत करते हो, भाई नहीं मैथ्स भाई मुझे अच्छी नहीं लगती, मैं तो इसको नहीं पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, है ना। अब क्या हुआ, मैथ्स को आप इग्नोर करने लगे, इग्नोर करने लगे, अब मैथ को आप पढ़ नहीं रहे। अब उससे क्या होगा, ऐसा तो है नहीं कि मैथ आपकी भाई दुनिया से हट जाएगी, मैथ सिलेबस से हट जाएगी, नहीं हटेगी ना। मैथ तो मैथ सिलेबस में है तो मैथ सिलेबस में रहेगी, पर क्या होगा, आप फेल हो जाओगे अगर आप जिस चीज़ से नफ़रत करते हो उस चीज़ को समझोगे नहीं, सॉल्व नहीं करोगे, अगर मैथ्स के सम सॉल्व नहीं करोगे तो आप फेल हो जाओगे, है ना। अब ऐसी लाइफ को देख लो, मान लीजिए आप किसी एक इंसान से नफ़रत करते हैं, अब आप सोच रहे हैं कि भाई इससे मैं नफ़रत करता हूँ, इसको तो रहन दो, मैं इससे बस हेट करता हूँ करता हूँ, बस मैं इससे बात नहीं करूँगा, ये नहीं वो नहीं। अब क्या हुआ, अब आप उससे बस नफ़रत नफ़रत करते जा रहे हो, कोसते जा रहे हो, पर क्या, वो इंसान तो इस धरती पे एग्जिस्ट करता है ना, भगवान ने उस इंसान को बनाया है और उस इंसान को आपकी लाइफ में प्लेस किया है, एक आपकी लाइफ का मतलब हिस्सा बनाया है, आपको उस इंसान से मिलवाया है, तो कोई ना कोई कारण होगा ना जिस वजह से भगवान ने आपको उस इंसान से मिलवाया है ना। पर आप क्या कर रहे हो, आप उस इंसान को नफरत कर रहे, नफरत कर रहे, पर आप ये नहीं समझ रहे कि
आप उस इंसान से क्यों नफरत करते हो? ऐसी कौन सी बात है उस इंसान की जो आपको वो समझ नहीं आ रही है ना? और क्या होगा, जैसे ही आपको वो इंसान की इंसान समझ में आ गया कि ये क्यों है ऐसा, क्यों मुझे इससे नफरत हो रही है, तो क्या होगा, आप वो उसका सल्यूशन निकाल पाओगे, है ना? अब मान लो कि कोई इंसान आपसे बस भाई बदतमीजी करता है, या आपको मतलब आपसे लड़ता रहता है, अब आप मान लो कि आप उसको कि नहीं मैं तो उससे नफरत करता हूँ, नफरत करता हूँ, नफरत करता हूँ, आप उससे हेट किए जा रहे, हेट किए जा रहे, नहीं, आपको क्या करना है, आपको देखना होगा कि आप उस इंसान से क्यों नफरत करते हो, है ना? जैसे आपने देखा, अरे भाई मैं तो इस इंसान से इसलिए नफरत करता हूँ क्योंकि वो मुझसे हमेशा लड़ता रहता है, तो आप क्या करोगे, अच्छा तो प्रॉब्लम वो इंसान नहीं है, प्रॉब्लम है क्योंकि वो लड़ाई करता है, वो लड़ाई है प्रॉब्लम, है ना? तो अब क्या किया आपने, आप गए उससे बोला कि भाई तुम क्यों लड़ते हो, आराम से बात किया करो, जो तुम्हें मुझसे शिकायत है, गुस्सा है, अगर कुछ तुमको बुरा भी लगता है तो मुझसे सच सच बोल दो, लड़ने की क्या ज़रूरत है ना, हम लोग बैठकर बात भी तो कर सकते हैं ना? तो इससे क्या होगा, ये एक प्रॉब्लम का सल्यूशन निकल सकता है, पर ये सल्यूशन जब ही निकलेगा जब आप प्रॉब्लम को समझेंगे, है ना? तो ये होता है कि जो अगर हेट वाला इमोशन भी है तो उसको समझो, जड़ों से समझो कि आप क्यों किसी से नफरत करते हो, और अगर आपको किसी की क्वालिटीज़ पसंद नहीं आती हैं तो आप उनको जाके एक बार रिस्पेक्टफुली बोल सकते हैं कि आपको ऐसा नहीं, ऐसे थोड़ा सा मुझे बुरा लगा या ये वो, है ना? तो यही होता है एक मतलब कि किसी भी इमोशंस को समझना, है ना? पहले तो आपको ये देखना होगा कि आप क्या फील कर रहे हैं, है ना? जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि आप फील क्या कर रहे हैं, तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि आप क्या करो, है ना? बहुत से लोग कहते हैं नहीं, मैं तो किसी से नफरत नहीं करता, मैं तो किसी से नफरत नहीं करता, मैं तो किसी से नफरत नहीं करता। अब क्या हुआ, वो मुंह पे तो झूठ बोल रहे हैं कि मैं किसी से नफरत नहीं करता, नफरत नहीं करता, लेकिन मन में लोगों के लिए द्वेष, ईर्ष्या, नफरत, ये सब लेकर चल रहे हैं। अब क्या हुआ, मतलब कि वो हेट को इग्नोर कर रहे हैं। जैसे कि क्लास में वो बच्चा मैथ्स को इग्नोर कर रहा था, ऐसे इंसान क्या कर रहा है, लाइफ में हेट को इग्नोर कर रहा है ना? तो उससे क्या होता है, वो वीक होता है, और एक दिन क्या होता है, जैसे मैथ्स एक बच्चे को फेल करा देगी, ऐसे ही वो जो हेट है और जो नेगेटिव इमोशंस हैं, आपको एक दिन वो फेल करा देंगे लाइफ में, है ना? तो इसलिए आपको अपने इमोशंस को इग्नोर नहीं करना है, इमोशंस को अंडरस्टैंड करना है ना, समझना है और उसका सल्यूशन निकालना है, ठीक है? तो ये मैंने आपको थोड़ा सा समझाया था कि कैसे हम लोग इमोशंस को समझ सकते हैं और प्रोसेस कर सकते हैं। और फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिर से मेरे चैनल पर बने रहने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए, और मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।